रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में दो दुकानों में आग लग गई थी। दुकान मालिक का आरोप है कि आग चंद्रप्रकाश गुप्ता ने लगवाई थी। वास्वी कीड़ों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने इस मामले में जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि साल 2013 में उन्होंने जमीन खरीदी थी और पिछले 65 सालों से वो लोग शांतिपूर्वक वहाँ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भयभीत कर उन्हें वहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। हत्या करने की कोशिश की गई है। इस हत्या की जो कोशिश के 6 दिन बाद प्रशासन का जो रवैया रहा है, हम लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। सामने पूरे जल गए हैं और हम लोग अंदर रह रहे हैं। 5-5 महिलाएं यहां रह रही हैं, कभी यहां प्रशासन सुनने तक नहीं आया। और स्थिति ये है कि लोग शहर में मार डालने के लिए जो आग लगाने की प्रक्रिया शुरू किए हैं, ये सामने शहर के सामने मेन रोड में राजधानी में ये बड़ी घटना हो गई है। और जो यहाँ सामाजिक रूप से सामाजिक कार्यकर्ता जो इस घर में इस प्लेस में मीडिया कर्मी जो इस घर में इस प्लेस में विद इन 20 सालों से आते रहे हैं, उनके मुंह में ये तमाचा पड़ा है। जयंती है, अहिंसा दिवस है, उसमें इतनी बड़ी हिंसक कार्रवाई हुई। आप सोचिए कि लोगों का मन कितना बढ़ा हुआ है कि गांधी जयंती में अहिंसा की बात करने के बजाय यहाँ लोग आग लगा के दुकान जला के जान माल का नुकसान करने का हिम्मत कर रहे हैं। राजेश सिंह है, चंद्रप्रकाश गुप्ता है, इनकी हिम्मत, ये लोग जबरदस्ती यहाँ नापी करने के लिए आए थे 23 सितंबर को। ये जमीन उनकी नहीं है, हम 1959 से रह रहे हैं, 65-70 साल से रह रहे हैं। यहाँ मैं रहती थी और अभी हमारा यहाँ पे ऑफिस है। पूरे झारखंड में आदिवासी मुद्दों पे, जल जंगल जमीन के सवाल पे हमारा काम है। अब ये लोग आग लगा के हमारे ऑफिस को ख़त्म करना चाहते हैं।